हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 135, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 18 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास वन के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। ओके, हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है आ गई सर्दियाँ। नीचे दी गई चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें हम सर्दियों में खाते या पीते हैं, उन पर गोला लगाइए। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले है मूंगफली का चित्र। तो बताइए कि मूंगफली को आप सर्दी में खाते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, मूंगफली को तो सर्दियों में खाया जाता है। ठीक है, दूसरा चित्र है गुड़पट्टी का, तो इसको भी हम सर्दियों में खाते हैं। तीसरा चित्र है जूस का, तो जूस क्या आप सर्दियों में पीते हैं बच्चों? नहीं। चौथा चित्र है आइसक्रीम का, क्या आप आइसक्रीम खाते हैं सर्दियों में? नहीं बच्चों, ये तो आप गर्मियों में खाते हैं। अगला चित्र है गाजर का, तो बच्चों गाजर तो सर्दियों के मौसम में ही खाई जाती है, जब आपकी मम्मी आपको गाजर का इतना टेस्टी हलवा बना के खिलाती हैं उसका। इसी तरह से अगला चित्र है आम का, तो आम कौन से मौसम का फल है? आम तो गर्मियों के मौसम का फल है। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें सर्दियों में खाते हैं, मूंगफली, गुड़पट्टी और गाजर। सर्दियाँ शुरू होते ही सारा और महक अपनी मम्मी से मूंगफली मांगने लगती हैं। उन दोनों को मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। आज उनके पापा मूंगफली लेकर आए तो उनकी मम्मी ने दोनों को बोला कि तुम दोनों को एक बार में एक मुट्ठी मूंगफली ही खाने को मिला करेगी। अब दोनों रोज़ाना पहले मुट्ठी में मिली मूंगफली गिनती हैं और धूप में बैठकर मज़े से खाती हैं। तो बच्चों, उनकी मम्मी ने कहा है कि उनको एक बार में सिर्फ एक मुट्ठी मूंगफली ही खाने को मिलेगी। तो अब दोनों क्या करती थी, दोनों पहले अपनी मुट्ठी वाली जो मूंगफली होती थी उनको गिनती थी और फिर जाकर उन्हें खाती थी। ठीक है, जो पहले दिन जब उन्हें मूंगफली मिली तो सारा ने सबसे पहले अपनी मुट्ठी की मूंगफली गिनी। तो देखिए, सारा की मुट्ठी में निकली 8 मूंगफली। ठीक है, और इसी तरह से महक को उस दिन मिली 9 मूंगफली। तो बताइए किसके पास ज़्यादा मूंगफली आई? बिल्कुल बच्चों, सबसे ज़्यादा मूंगफली आई महक के पास, क्योंकि महक के पास है 9 और सारा के पास है 8। ठीक है, दूसरे दिन जब उनकी मम्मी ने दोबारा से उन्हें मुट्ठी भर के मूंगफली दी तो सारा को मिली 9 मूंगफली और महक को मिली 7 मूंगफली। ठीक है, तो बताइए कि किसके पास ज़्यादा मूंगफली आई? बिल्कुल सही, इस बार सारा के पास ज़्यादा मूंगफली आई, क्योंकि उसके पास है 9 और महक के पास है 7। तो हम यहाँ लिख देंगे सारा। इसी तरह से तीसरे दिन जब उन्होंने अपनी मुट्ठी की मूंगफली गिनी तो देखा कि सारा को तो मिली है 10 मूंगफली और महक को मिली है 8 मूंगफली। तो बताइए बच्चों कि ज़्यादा किसके पास में है? बिल्कुल सही, ज़्यादा है सारा के पास में। तो हम यहाँ लिख देंगे सारा। चौथे दिन सारा को मिली 9 मूंगफली और महक को मिली 10 मूंगफली। तो बताइए किसके पास ज़्यादा है? बिल्कुल सही बच्चों, महक के पास, क्योंकि महक के पास है 10 और सारा के पास है 9। तो 10 क्या है, 9 से बड़ा होता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे महक। इसी तरह से अगला देखिए, पांचवे दिन सारा को मिली 7 मूंगफली और महक को मिली 8 मूंगफली। तो बताइए ज़्यादा किसके पास है? बिल्कुल बच्चों, ज़्यादा है महक के पास, क्योंकि महक के पास है 8 मूंगफली और सारा के पास है 7 मूंगफली। तो संख्या 8 संख्या 7 से ज़्यादा है। इसी तरह से छठे दिन सारा को मिली 8 मूंगफली और महक को मिली 10 मूंगफली। तो बताइए कि किसको ज़्यादा मूंगफली मिली? बिल्कुल सही, ज़्यादा मूंगफली मिली महक को। तो हम यहाँ लिख देंगे महक। बच्चों, महक को 10 मिली हैं और सारा को 8 मिली हैं, तो संख्या 10 जो है वो संख्या 8 से बड़ी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।